यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हिमाचल में सेबों के बाद चेरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल प्रदेश में चेरी फल उत्पादन निराशाजनक रहा है। इस साल बदलते माहौल, कम बर्फ और बारिश नहीं होने की वजह से चेरी की फसल पर खासा असर पड़ा है। चेरी के रंगीन बगीचे न सिर्फ किसानों को अच्छी कीमतों में मदद करते हैं, बल्कि इससे पर्यटकों को भी आकर्षित करने में मदद मिलती है। लेकिन इस साल लगता है चेरी पर भी संकट गहराने लगा है। चेरी की फसल जब कटती है तो उन्हें एक स्पष्ट मौसम मिलना जरूरी है, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। एक किसान जो 12 लाख रुपए से ज्यादा की चेरी बेचता है, उसे अब सिर्फ 6 साल रुपए की ही मुनाफा हो रहा है। यहाँ पर खराब मौसम वजह बन गया है, चेरी के उत्पादन में कमी आई है और कटौती हुई है। यहाँ पर स्पष्ट मौसम ना होना इसकी वजह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल सेबों के बाद चेरी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब चेरी के उत्पादन में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। इसकी वजह बदलते मौसम को बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी हवा में धूल के कण थे, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, और इसके बाद बारिश ज़रूर आई है, मौसम ज़रूर साफ हुआ है, लेकिन ये बारिश उपयोग नहीं है, योग्य नहीं है चेरी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चेरी की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है, सफिशिएंट नहीं है ये जो बारिश हुई है इन चेरी उत्पादों के लिए।